मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.5 करने वाले हैं और ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो करवा रखा है, प्लीज जाके जरूर देखो, फिर एक्सरसाइज पे आओ, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, आराम से आपको समझ में आएगा, देखना कैसे कैसे मैं करता हूं। तो सबसे पहले आपको करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, आपको करना है क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव होता है तो, और कई फंक्शन ऐसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनका डेरिवेटिव नहीं होता, तो उसको करने का तरीका भी बताऊंगा मैं। सारी चीजें इंट्रोडक्शन में सारी चीजें क्लियर कर रखी है मैंने। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आता अपना, 2 × 2x − 1 और फिर अंदर का आपका 2, पावर आ गए, पावर में से एक कम, फिर अंदर का डेरिवेटिव 2 और प्लस 3 का 0। तो आपका जो f डैश x आया मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां से 4 × 2x − 1 आया, 4 × 2x − 1 आया। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप f डैश x को 0 के बराबर रखोगे, ऐसे करने सारे क्वेश्चन। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप f डैश x को 0 के बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे। तो यहां से 4 × 2x − 1 = 0। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 तो 0 होगा नहीं, 2x − 1 = 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू आती है 1/2, x की वैल्यू क्या आती है, सिंपल सी 1/2। इतना आने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे करवा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे करवा रहा हूं, ध्यान देना। मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ा रखा है। आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, अगर वो कुछ नहीं कह रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करो या सेकंड डेरिवेटिव से, तो आप अपनी मर्जी से करो, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओ या सेकंड डेरिवेटिव। अगर वो कह रहा है कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव से करके दिखाओ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करना है, और सेकंड डेरिवेटिव से क्वेश्चन करो तो सेकंड डेरिवेटिव से ही करना है। तो मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से करके दिखा रहा हूं। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, आपको x थोड़ा सा छोटा रखना है 1/2 से, 1/2 से थोड़ा सा छोटा x रखना है, कहां पे, f डैश x में, कहां पे रखना है, f डैश x में। 1/2 से मैं थोड़ा सा छोटा x यहां पे रखूंगा, 1/2 से छोटी सी वैल्यू मैं यहां पे लेऊंगा, ठीक है, 1/2 से छोटी वैल्यू x की जगह लेता हूं। तो आपका नेगेटिव आता है पॉजिटिव, देखो एक बार ये देखो, 1/2 लेने पे 1 आ रहा है या नहीं, 1/2 लेने पे 1 आ रहा है, तो 1 − 1 तो 0 होता है, पर अपने को तो 1/2 से छोटा लेना है। तो 1/2 से छोटा लेओगे तो आपका ये मिलेगा नेगेटिव, ये तो 4 तो आपका पॉजिटिव, 4 तो मैं यहां लिख देता हूं, 4 तो आपका पॉजिटिव रहना है, इस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। पर 1/2 से एक्स की वैल्यू थोड़ी सी छोटी लेते हैं, 1/2 से थोड़ी सी छोटी लेते हैं, तो यहां पे आता आपका नेगेटिव, क्या आता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आया आपका नेगेटिव, मतलब कि x लेस देन 1/2 लेने पे, 1/2 से थोड़ा सा छोटा, ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा सा छोटा लेने पे आपका f डैश x क्या आता है, नेगेटिव। अब ऐसे ही एक बार आप x ग्रेटर देन 1/2 लोगे, x की 1/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लोगे, x को 1/2 से थोड़ा सा बड़ा लो, तो यहां पे आप देखोगे कि आपका f डैश x क्या आता है, ये 4 तो पॉजिटिव रहना है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो पॉजिटिव रहना है, और ये यहां पे पॉजिटिव मिलेगा, ये यहां पे क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, क्लियर है बात। तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां पे आपका f डैश x क्या आता है, पॉजिटिव। हमेशा ऐसे ही करना है, एक बार क्रिटिकल पॉइंट से कम लेना है, एक बार ज्यादा लेना है, पहले कम लेओगे फिर ज्यादा। अब ये बताओ साइन जो है स्लोप का, अब जैसे करो आपका कुछ ऐसे रहा है, करो ऐसे रहा है, पॉइंट आपका 1/2 यहां है कहीं, पॉइंट आपका 1/2 यहां है, अब आपका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव, ये नेगेटिव स्लोप देगा ये टेंजेंट, और ये कैसा स्लोप दे रहा है, पॉजिटिव। f डैश x मतलब यहां पे आपका टेंजेंट का स्लोप है जो क्या मिला, नेगेटिव, 1/2 से छोटा रखने पे, और 1/2 से बड़ा रखने पे टेंजेंट का स्लोप क्या मिला, पॉजिटिव। जब नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप मिलता है, तो मैंने बता रखा है यहां पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन आपका मिनिमम वैल्यू रखता है किस पे, 1/2 पे, किस पे रखता है, 1/2 पे, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 1/2 निकाल दो, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, f ऑफ 1/2 निकाल दो मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो 1/2 लगाओगे यहां पे, तो देखो 1/2 लगाओगे तो ये 0 बनेगा, प्लस में 3, 0 प्लस 3, तो आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 1/2 पे, 3। ऐसे आपको करना है,
तो मिनिमम वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों यहां पे, मिनिमम वैल्यू जो कितनी है 3। इस क्वेश्चन को आप बिना डेरिवेटिव से भी कर सकते थे, बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। आपका कम से कम कितना होगा, आपका स्क्वायर का अंदर का 0 बन सकता है, या स्क्वायर कम से कम कितना बन सकता है, 0। और जब स्क्वायर कम से कम 0 बनेगा तो यहां पे प्लस 3 होगा, तो कम से कम कितना होगा 3। और ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, इनफाइनाइट, हमें पता ही नहीं कितना हो सकता है। तो इसकी रेंज देखी जाए तो ये कम से कम 3 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि ये बढ़ता ही जाएगा, 3 जोड़ोगे और इसका स्क्वायर करते जाओ, पता नहीं ज्यादा कितना हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू देता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं रखता, मिनिमम वैल्यू 3। ऐसे क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में अगर वन मार्क में है तो। और भाई थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, ज्यादा नंबर में है तो थोड़ा सोल्व करके दिखाओ, हर तरीके से आप चीजें सोल्व कर सकते हो, बता रखी है मैंने। अगले पार्ट पे चलते हैं और सीखने को मिलेगा। सेकंड पार्ट में देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू देता है या मैक्सिमम वैल्यू देता है ये फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम फर्स्ट डेरिवेटिव, सेम काम, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, कितना आया 18x प्लस में 12 आया। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसमें से देखो सॉल्व क्या करें, सिंप्लीफाई करता हूं, यहां से मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं 6, तो कितना बना 3x प्लस में 2, एफ डैश एक्स आ गया। इसके बाद आप एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए रख लो भाई, 6 × 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो 6 तो 0 होगा नहीं, 3x प्लस 2 0 होगा, जिससे मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आती है -2/3। x की वैल्यू क्या आती है, माइनस का 2/3। अब कुछ भी नहीं करना, एक बार तो x को रखना है आपको 1/-2/3 से थोड़ा सा छोटा, पहले छोटा रखेंगे फिर बड़ा, -2/3 से थोड़ा सा छोटा रखना है x, किसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव में। और साइन चेक करने हैं कि प्लस का साइन आता है या माइनस का, तो ये तो आपका पॉजिटिव रहना है 6 हमेशा। और जब आप यहां पे -2/3 से थोड़ा सा छोटा रखते हो तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको नेगेटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलता है नेगेटिव, तो एक्स को लेस देन -2/3 रखने पे नेगेटिव आया। अब एक्स को ग्रेटर देन -2/3 और रखना है, हर बार एक ही काम करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यही काम करना है। इसमें साइन देखते हैं, तो ये तो आपका पॉजिटिव रहना है मेरे प्यारे बच्चों, और ये भी आपका -2/3 से थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो x पॉजिटिव मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो यहां पे आपको टोटल पॉजिटिव मिला। तो आप एक चीज नोट करो, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव मिला तो कर्व कुछ इस तरह से रहा है, सपोज कर रहा हूं मैं, लेट कर रहा हूं, कर्व कुछ इस तरह से रहा है, तो टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव से, ये नेगेटिव स्लोप का टेंजेंट और ये पॉजिटिव स्लोप का टेंजेंट, क्लियर, नेगेटिव से पॉजिटिव रहा है। और पॉइंट क्या आपका, माइनस का 2/3, -2/3 से इधर रखा तो नेगेटिव स्लोप का टेंजेंट मिला, और उधर का रखा तो पॉजिटिव स्लोप का टेंजेंट मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो फाइन कर देता हूं, तो आपको एफ ओ -2/3 निकाल लेना है, आपको एफ ओ -2/3 निकाल लेना है यहां से। तो 9 × -2/3 का स्क्वायर 4/9 और यहां पे -2/3 लगाओगे तो आपका -12 × 2/3 प्लस में 2 भी चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व कर लो, 9 से 9 कैंसिल, ये 4, 3 से 4 पे गया, माइनस का 8 आया और प्लस का 2 है, तो यहां से मिलता आपको सॉल्व करके -2। तो ये मिनिमम वैल्यू देता है, मिनिमम वैल्यू देता है मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम वैल्यू देता है, क्या देता है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, क्या देता है, -2, क्या देता है, मिनिमम वैल्यू -2। समझो यार, बिल्कुल आसान आसान चीजें, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं और भी समझ में आता जाएगा मेरे भाई। बार बार एक ही काम थर्ड पार्ट में भी हुई, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी इसकी अगर रखता है तो। अब देखो यहां पे सबसे पहला काम एफ डैश एक्स कितना मिला, माइनस, देखो पावर आगे आएगी तो माइनस पहले से 2 आगे, 2 में से 1 कम तो पावर 1, अंदर का 1 लिखो चाहे मत लिखो, प्लस 10 का 0, डेरिवेटिव सिंपल सिंपल से। इसके बाद आपको एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो कौन 0 के बराबर होगा, -2 × x - 1 0 के बराबर होगा, तो -2 तो 0 हो नहीं सकता, तो मेरे प्यारे बच्चों x - 1 0 होगा, मतलब x की वैल्यू 1 आती। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है, तो x की वैल्यू 1 आई। अब वही काम, एक बार तो x को लेस देन 1 रखेंगे, लेस देन 1, इतना लेस देन 1 रखना है कि कभी बहुत ज्यादा रख दो, 1 से थोड़ा सा छोटा रखना है,
उनसे थोड़ा सा छोटा रखना है और एफ डैश एक्स का साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव रहता है नेगेटिव, तो यहाँ पे जीरो लिखो चाहे मत लिखो। अब वन से थोड़ा सा छोटा रखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भाव तो नेगेटिव रहेगा हमेशा, माइनस टू तो नेगेटिव रहेगा, इसमें वन से थोड़ा सा छोटा रखोगे तो देखो नेगेटिव मिलता है, क्या मिलता है नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव बना आपका पॉजिटिव। तो यहां तो साइन क्या दिया एफ डैश एक्स ने, पॉजिटिव। एक बार एक्स को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, एक बार एक्स को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, किससे, वन से, वन से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे एफ डैश एक्स में, तो देखते हैं ये तो मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव रहने, ये तो नेगेटिव रहने, और वन से थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा, क्या मिलेगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या आता है नेगेटिव। अब आप सोच पा रहे होंगे, एक तो टेंजेंट का वन से थोड़ा सा छोटा रखा, वन यहां है, कर्व कुछ इस टाइप का बेटा, अब कर्व कुछ इस टाइप का, समझना, वन से थोड़ा सा छोटा रखा जब पॉजिटिव स्लोप का मिला टेंजेंट, टेंजेंट किस स्लोप का मिला पॉजिटिव स्लोप का, और वन से थोड़ा सा बड़ा रखा तो टेंजेंट किस स्लोप का मिला नेगेटिव स्लोप का, कुछ ऐसे सीन है ये, ऐसे सीन है। अब मेरे को ये बताओ वन पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम, वन पे क्या वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, आसपास वाली वैल्यू से क्या है ज्यादा, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, क्लियर है बात, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वन पे, और मैक्सिमम वैल्यू ये तो पता चल गया वन पे मैक्सिमम वैल्यू देगा फंक्शन, आपका मैक्सिमम वैल्यू रखता है वन पे, लिख दोगे आप, पर वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो एफ ऑफ वन निकालना पड़ेगा, यहां से एफ ऑफ वन निकालना पड़ेगा, ये जीरो बन गया, प्लस टेन, जीरो प्लस टेन आपका आता है टेन, तो मैक्सिमम वैल्यू दी मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू दी, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है टेन है। भाई बहुत आसान आसान क्वेश्चन है यार, देखते जाओ, बिल्कुल ही आसान आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं और भी समझ में आता जाएगा। अरे बच्चों फोर्थ पार्ट आ गया, बहुत अच्छा पार्ट है ये करना, बहुत ही अच्छा पार्ट है। सबसे पहला काम, फर्स्ट डेरिवेटिव जी डैश एक्स कितना आया, थ्री एक्स स्क्वायर आया। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों जी डैश एक्स को किसके बराबर रखोगे, जीरो के बराबर, तो थ्री एक्स स्क्वायर जीरो के बराबर रखा तो एक्स की वैल्यू आती है जीरो, एक्स की वैल्यू आती है जीरो। तो सेम काम एक बार तो एक्स को लेस देन जीरो मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा रखेंगे और साइन चेंज करेंगे किसका, जी डैश एक्स का, पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव। जब जीरो से थोड़ा सा छोटा रखोगे तो यार ये स्क्वायर है, स्क्वायर किसी को यहाँ पे स्क्वायर है, हर नेगेटिव चीज को क्या बना देगा पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव है थ्री, ये पॉजिटिव, तो क्या बना पॉजिटिव। अब अपना एक काम, एक्स को थोड़ा सा जीरो से बड़ा रखेंगे तो भी आपको जी डैश एक्स मिलेगा पॉजिटिव, ये तो चमत्कार ही हो गया। और चमत्कार क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी चीजें बताई है, अगर स्लोप पॉजिटिव से पॉजिटिव देता है, हमने पहले लेस जीरो से कम पे चेक किया पॉजिटिव दिया, फिर जीरो से ज्यादा पे चेक किया पॉजिटिव दिया, अगर स्लोप पॉजिटिव से पॉजिटिव देता है टेंजेंट का या नेगेटिव से नेगेटिव देता है तो यहां पे क्या बोलते हो, नाइदर नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू, ना तो मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू रखता और ना ही मिनिमम वैल्यू रखता, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं इस पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पे स्लोप पॉजिटिव से पॉजिटिव आ गया, इस टाइप का कर्व है कुछ मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का कर्व, और जीरो आपका यहां है, तो एक तो ये आया जीरो से कम पे तो ये स्लोप, और जीरो से ज्यादा पे ये स्लोप, तो ये दोनों स्लोप पॉजिटिव, दोनों सॉरी जीरो से कम पे ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ, जीरो से ज्यादा पे ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ। अब दोनों के स्लोप क्या है पॉजिटिव है, दोनों के स्लोप क्या है पॉजिटिव है, देख लो आप, इस टाइप का कुछ सीन हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों सीखो चीजों को, सीखो बहुत काम की चीज है, वास्तव में बहुत काम की चीज। आगे चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी सेम काम, मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू निकालो अगर मिलती है तो। देखो आप एक बात बताना, x प्लस टू का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा, बिल्कुल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, आप यही सोच रहे हो कि सर आप f डैश x क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस टू पे डिफरेंशिएबल नहीं, ये फंक्शन माइनस टू पे क्या नहीं है डिफरेंशिएबल, और ये चीज मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कई बार नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं तो उनके भी मैक्सिमा मिनिमा निकलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकलती है, बताई थी मैंने, वो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रखते हैं, बताई थी बात मैंने। तो इसको करने का तरीका अलग है, देखो x प्लस टू का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल जीरो ले सकता हूं, भाई जीरो से बड़ा ही रहेगा या जीरो के इक्वल, ठीक है,
और मैं बोथ साइड अगर माइनस वन लगाऊं तो एक्स प्लस टू का मॉडुलस माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल माइनस वन होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल माइनस वन हुआ। इसका मतलब क्या निकला कि ये फंक्शन क्या रखता है, मिनिमम वैल्यू रखता है, क्या माइनस वन, माइनस वन से बड़ा बड़ा है फंक्शन, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू रखता है फंक्शन माइनस वन। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई, मिनिमम वैल्यू क्या हुई यहां पे आपकी माइनस वन, पर वो किस पॉइंट पे हुई, पॉइंट भी बता देंगे मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, अब वो बताता हूं। देखो आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कब होगा ये निकाल लेते हैं, है ना। तो मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी किस पॉइंट पे, तो एक्स प्लस टू का मॉडुलस माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स प्लस टू का मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो, और एक्स प्लस टू का मॉडुलस जीरो कहां होता है, जब आपका ये क्वांटिटी जीरो, और ये क्वांटिटी जीरो कब होगी, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स माइनस टू होगा तो ये जीरो बनेगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो तभी तो आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पे आपका फंक्शन क्या वैल्यू रखता है, मिनिमम वैल्यू रखता है, क्या रखता है, मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए, मैक्सिमम वैल्यू ये रखता ही नहीं, इसलिए तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं आई। मैं बता दूं आपको, इसका ग्राफ पता है बेटा ऐसे बनेगा, ये माइनस टू पे नीचे माइनस वन तक, वन तक नीचे वन आ जाओ, वाई पे नीचे वन तक आ जाओ, माइनस वन तक आ जाओ नीचे, ठीक है, और वी बना दो, वैल्यू रख रख के देखना आप, ये ग्राफ बनेगा। और इसमें देखो मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस वन, और मैक्सिमम वैल्यू पूछू तो पता ही नहीं भाई कहां तक जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू पता ही नहीं कहां तक है, मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस वन, और किस पे है, माइनस दो पे। ये चीज है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। ये भी मॉडुलस फंक्शन, ये भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये भी क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा आपका, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वही काम से, इसका डेरिवेटिव तो हम कर नहीं पाएंगे, तो एक ही काम अपने को, तो ये चेक करेंगे कि ये किससे ग्रेटर है या किससे लेस है, जो भी चीज आती है वो पता लग जाएगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आप क्या कहोगे, x प्लस वन का मॉडुलस सर ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा, कहोगे बिल्कुल। अगर मैं बोथ साइड माइनस लगाता हूं तो आपको इतना भी पता है कि इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। यहां पे माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ना, जीरो ही रहना है, ठीक है। अब मैं ऐड कर दूं बोथ साइड, क्या मेरे प्यारे बच्चों, थ्री ऐड कर दूं, तो ये सीन होगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये आपका फंक्शन जो है ये थ्री से छोटा छोटा रहेगा, ये एफ ऑफ एक्स ही तो है, थ्री से छोटा या थ्री के इक्वल रहेगा, थ्री से छोटा या थ्री के इक्वल रहेगा ये फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू है ये फंक्शन थ्री के इक्वल और थ्री से छोटा रहेगा, मतलब ये आपका क्या है, थ्री क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू जी एक्स है ना बेटा, एफ ऑफ एक्स जी एक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है आपकी कितनी है, थ्री। पॉइंट पता करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू थ्री कहां पे है, तो आपको जी एक्स को किसके इक्वल लेके चलना पड़ेगा, थ्री के इक्वल। जब ये थ्री के इक्वल चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका माइनस एक्स प्लस वन का मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और ये जीरो कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन। माइनस वन पे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, थ्री, और वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कौन सी वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्लियर, आसान आसान है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो आपका साइन एक्स किसके बीच में होता है, माइनस वन से वन के बीच में होता है, तो साइन टू एक्स भी किसके बीच में होगा, माइनस वन से वन के बीच में होगा, क्लास इलेवन से जानते हैं चीज, कोई नई चीज नहीं है। अब मैं क्या करूं, तीनों साइड पांच जोड़ दूं, तो इधर पांच जोड़ूंगा तो चार, इधर पांच जोड़ूंगा तो साइन टू एक्स प्लस पांच, और इधर पांच जोड़ूंगा तो छह, मतलब कि ये साइन टू एक्स प्लस फाइव क्या आपका एच ऑफ एक्स किसके बीच में आ गया, चार से छह के बीच में, चार के इक्वल है और उससे ग्रेटर है, छह से छोटा है और उससे उसके इक्वल है, ठीक है, चार से बड़ा और उसके इक्वल, छह से छोटा और उससे इक्वल, मतलब कि ये कम से कम तो कितना हो सकता है, चार, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मिल गई ना, चार है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, छह, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, छह। यार बिल्कुल बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन, बहुत हल्के क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने,
यहां पे आ जाओ, बिना मॉडुलस के एक बार चीज को शुरुआत करते हैं। साइन 4x किसके बीच में होगा? माइनस 17 के बीच में होगा। सेम चीज साइन x अगर माइनस 17 के बीच में, तो साइन 4x भी माइनस 17 के बीच में होगा। और तीनों साइड अगर 3 प्लस करो तो इधर से 2, इधर से साइन 4x प्लस 3, इधर से आपका 4। और अब आप देखो साइन 4x प्लस 3 2 से 4 के बीच में, तो उसका मॉडुलस भी, मॉडुलस भी किसके बीच में होगा? 2 से 4 के बीच में होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, प्लस प्लस है दोनों साइड, तो मॉडुलस भी किसके बीच में होगा? 2 से 4 के बीच में होगा। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू ये आपकी मिनिमम वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, चेक कर लो, 4 मैक्सिमम 2 मिनिमम। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नंबर 2 का 5th पार्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी करवाया था, इसको इसके फोटो से समझाता हूं। hx is equal to x plus 1 की फोटो क्या होगी वो देखो। आपको बनाना तो कहां से कहां तक है? माइनस 1 से 1 के बीच में बनाना है, माइनस 1 और 1 भी नहीं लेने, माइनस 1 और 1 के बीच में। अब पॉजिटिव स्लोप की लाइन y इंटरसेप्ट 1 पॉजिटिव स्लोप की लाइन, तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। माइनस 1 पे क्या मिलता? 0, तो माइनस 1 पे होलो सर्कल, माइनस 1 तो रख ही नहीं सकते ना। और ये यहां से निकलती हुई लाइन 1 पे भी आपका होलो सर्कल, 1 पे भी आपका होलो सर्कल। अब देखो मैं अगर ये कहूं इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कम से कम कितना होगा, तो आप ये कहोगे सर कम से कम ये होगा आपका, ज्यादा से ज्यादा की बात करते पहले, आप ज्यादा से ज्यादा बता सकते हो कितना होगा? एक बार देखो 1 रख के देखो, 1 रखने के बाद कितना मिलता आपको? 2 मिलता, ये 2 मिलता है नहीं, पर 2 मिला नहीं फिलहाल, 2 मिला नहीं क्योंकि ओपन इंटरवल लेना है, तो 1 पे तो वैल्यू निकालनी नहीं। अब मैं ये कहूं ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, तो आप ये कहोगे सर 1.9999 होगा। फिर मैं ये कहूंगा बस इतना ही, ये कहोगे सर और 9 लगा लो, फिर मैं कहूंगा इतना ही, फिर ये कहोगे सर और 9 लगा लो। कितने के 9 लगाओगे, कहां तक 9 लगाओगे? क्या आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे। तो फंक्शन ना ही तो मैक्सिमम वैल्यू रखता और ना ही मिनिमम, ऐसे मिनिमम के लिए, ऐसे ही मिनिमम के लिए, क्लियर है ना बात? तो मैक्सिमम के लिए मैंने बता दिया ना आपको 1.999 बोलोगे, फिर मैं कहूंगा इतने 9, आप कहोगे सर और लगाओ 9, फिर और लगाओ 9, कितने के 9 लगाओगे? तो मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है और देख पा रहे होंगे आप मिनिमम वैल्यू भी नहीं है। तो फंक्शन के पास ना ही तो मैक्सिमम वैल्यू ना ही मिनिमम वैल्यू, क्लियर है बात? चलते आगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और इसके 2 पार्ट मैंने लिख रखे हैं आपके सामने। इनमें क्या बोला है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करो, कि कहां फंक्शन लोकल मैक्सिमा होगा, कहां फंक्शन लोकल मिनिमा होगा, वो पॉइंट फाइंड करो, और साथ में लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी बताओ। तो सेम प्रोसीजर आप मेरे प्यारे बच्चों इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हो और सेकंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। मैंने बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में बकायदा, आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हो इनको, और सेकंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव से सीखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन कर लिए काफी सारे, अब ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आप फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव से भी। तो हम सेकंड डेरिवेटिव से करते हैं। देखो करना क्या होगा आपको, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x 2x आया, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आई? 0। अब आपको करना है सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहा हूं मैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको पहले, सेकंड डेरिवेटिव कर लो। तो कितना आया आपका? 2 आया। अब आपको करना क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है उस पे आपको एफ डबल डैश एक्स चेक करना है कि पॉजिटिव आता है नेगेटिव। तो ये तो 2 तो हमेशा पॉजिटिव रहना, और जब आपका एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ जाए उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? लोकल मिनिमा। ये ध्यान रखना, एफ डबल डैश एक्स अगर आपका पॉजिटिव आ जाए जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन लोकल मिनिमा होगा। तो एट एक्स इज इक्वल टू लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0, लोकल मिनिमा कहां है? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। और मिनिमम वैल्यू निकालनी अपने को, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपल सी चीज है, ये 0 जो है ना, 0 आपका ये यहां रख दो, एफ ऑफ 0 निकाल दो, जो कितना आया? 0, मिनिमम वैल्यू ही आई। और एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है? लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू की बात करें, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आई आपकी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे?
लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी जीरो आती है, बिल्कुल सही सही है। लोकल मिनिमम वैल्यू बता दी हमने और लोकल मिनिमा कहाँ है वो बता दिया, सिंपल। और एफ डबल डैश एक्स अगर आपका नेगेटिव आ जाता तो उस पॉइंट पे आपका लोकल मैक्सिमा होता, उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होता, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए वही चीज यहाँ पे पॉइंट पुट करना पड़ता। क्लियर है ना? ये सीखते ही इससे और भी सीखने को मिलेगा। इसमें भी मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करो, कितना आया 3x² - 3 आया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को मेरे प्यारे बच्चों जीरो के बराबर रख दो, 3x² - 3 = 0, x² = 1, x की वैल्यू आई +-1, x की वैल्यू एक तो -1 आई और एक 1 आई, तो एट x = -1 पे, एट x = -1 पे कब, जब सेकंड डेरिवेटिव आ जाए, g डबल डैश x निकाल लो तो कितना है 6x, तो एट x = -1 पे आपका g डबल डैश x क्या आता है एट x = -1 पे, -1 यहां लगाना, नेगेटिव आता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैंने बताया था नेगेटिव आता है तो लोकल मैक्सिमा है वहां पे, और पॉजिटिव आता है तो क्या बताया था अभी लोकल मिनिमा है। तो ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव आया तो क्या कहोगे, लोकल मैक्सिमा कहां पे, एट x = -1 पे, और आपको तो क्या चाहिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको आपका जो पॉइंट -1 है वो यहां रखना है, g(-1) कितना आया, g(-1) निकाल दो भाई, ये कितना आया 3 - 1 = 2 आया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2 और एट x = -1 पे लोकल मैक्सिमा है। अब एक और रह रहा है, एट x = 1 भी तो रह रहा है, एट x = 1 भी तो रह रहा है, एट x = 1 पे बताओ जब आपका g(-x) कितना आया, पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव में क्या कहता हूं मैं, यहां पे बता के भी आया था, इस पे आपका फंक्शन क्या होगा, लोकल एट x = 1 पे लोकल पॉजिटिव स्लोप आया, डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आया, तो लोकल क्या होगा, मिनिमम, लोकल मिनिमा बता दोगे, यहां पे बता के आया था, और लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए 1 यहां लगाना पड़ेगा, जब आप g(1) निकालोगे तो कितना मिला, g(1) लगाओगे तो कितना मिला आपको -2, तो लोकल मिनिमम वैल्यू ये -2 लोकल मिनिमम वैल्यू, आंसर चेक कर लो, और एट x = 1 पे क्या है, लोकल मिनिमा, और एट x = -1 पे लोकल मैक्सिमा, और आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू 2, आप चेक कर सकते हो बेटा, बहुत आसान आसान सी चीजें, बहुत ज्यादा आसान। अगले पार्ट पे चलते हैं बच्चों, इस पे भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करूंगा, देखना आप फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने करवाए भी फर्स्ट डेरिवेटिव से क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी करवाए हैं, एक्सरसाइज में भी करवाए थे, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीख लो, इसलिए मैं सेकंड डेरिवेटिव से करवा रहा हूं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का -sin x, फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखोगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो cos x - sin x = 0, तो मेरे प्यारे बच्चों sin x = यहां से cos x आ जाएगा, देखो cos x को अपॉन में उतार लाओगे तो sin x / cos x = 1, यहां पे जीरो मत कर देना, कभी जीरो कर दो 1 आएगा, ठीक है, cos x उतर के आएगा, tan x = 1 आया। अब इंटरवल से बात करते हैं, इंटरवल क्या कहता है भाई, x तो आपका सिर्फ किसके बीच में लाई करता है, 0 से π/2 ओपन इंटरवल, तो आपका tangent 1 कब होता है, जब आपका x क्या होगा इस इंटरवल में, x क्या होगा π/4, पता चला ना, tangent 1 कब होता है 0 से π/2 के बीच में, जब x आपका π/4 हो, तो x आपको π/4 मिल चुका क्रिटिकल पॉइंट। अब आप करोगे सेकंड डेरिवेटिव मेरे प्यारे बच्चों, h डबल डैश x करोगे तो cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, -sin x, और -sin x का क्या आएगा, -cos x, माइनस बाहर निकाल लो तो sin x + cos x। अब at x = π/4 पे आप देखोगे कि आपका जो डबल डेरिवेटिव है h डबल डैश x है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये देखोगे आप π/4 लगाओगे पॉजिटिव, पॉजिटिव पर भार माइनस है तो क्या मिलेगा आपको, ये नेगेटिव,
एच डबल डैश एक्स मेरे प्यारे बच्चों क्या मिला आपको, नेगेटिव। और नेगेटिव के लिए मैंने क्या कहा है, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा बोला है या नहीं, लोकल मैक्सिमा। तो लोकल लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर पे, क्लियर है ना बाप। और मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए, लोकल लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए आपको। लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पाई बाय फोर कहां लगाना पड़ेगा, यहां पे, मतलब एच ऑफ पाई बाय फोर निकालना है, एच ऑफ पाई बाय फोर निकालना है, साइन पाई बाय फोर वन बाई रूट टू प्लस में कॉस पाई बाय फोर वन बाई रूट टू, और ये सोल्व कर करके रूट टू आएगा, पता हो, सोल्व कर करके मेरे प्यारे बच्चों रूट टू आएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये होती है, और एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा है। तो देखो आप कितना आसान है यार, खुद देखो, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, एक और बढ़िया क्वेश्चन। तो करना क्या है, इसमें भी सेम काम, लोकल मैक्सिमा ढूंढना है और लोकल मिनिमा, साथ में लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू अगर मिलती है तो। यस, तो सबसे पहला काम, फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स कितना आया, कोस एक्स साइन एक्स का कोस एक्स माइनस कोस एक्स का प्लस का साइन एक्स। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखोगे, किस वजह से, क्रिटिकल पॉइंट्स लाने की वजह से, ठीक है। तो आपका कोस एक्स प्लस में साइन एक्स किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। यहां से साइन एक्स इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों माइनस का कोस एक्स, तो यहां पे साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन भी लिख सकता हूं, जिससे आपका टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आता है, जिससे मेरे प्यारे बच्चों टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आता है। अब देखो आपका टेन एक्स माइनस वन मतलब टेन एक्स नेगेटिव कहां कहां हो सकता है, इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल जीरो से टू पाई, ओपन इंटरवल, ठीक है। टेन एक्स आपका नेगेटिव कहां कहां होगा, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड के लिए तो आप इस एक्स को क्या लिखोगे, पाई माइनस में आप क्या लिखोगे, देखो टेन टेन पाई माइनस में पाई बाई फोर, वन की वजह से कर रहा हूं ये सारे काम, टेन पाई माइनस में पाई बाई फोर करते हो तो देखो क्या आता है, टेन पाई माइनस पाई बाई फोर करते हो तो माइनस टेन पाई बाई फोर आता है, आता है या नहीं बताओ, और ये क्या होता है माइनस वन, सही जा रहा हूं ना मैं, एक्स के लिए सही लिख रहा हूं ना। तो यहां से आपको एक्स कितना मिला सोल्व करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, पाई माइनस पाई बाई फोर सोल्व करने के बाद आता है आपका आपका फोर पाई माइनस पाई थ्री पाई बाई फोर, कितना आता है थ्री पाई बाई फोर, एक तो वैल्यू निकाल ली। अब एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, टेन टेन टू पाई माइनस में पाई बाई फोर लिख लेते हैं, टेन टू पाई माइनस पाई बाई फोर लिख लेते हैं, और आप इसको सोल्व करते हो तो देखो टेन टू पाई माइनस पाई बाई फोर माइनस टेन पाई बाई फोर होता है, छोटी छोटी बात है यार, माइनस वन आया तो यहां पे आपका ये भी आप सही बात बता रहे हो, टू पाई से तो कम ही लेना है ना, और जीरो से ज्यादा तो टू पाई से तो कम ही है, सोल्व कर लो आठ पाई माइनस पाई सेवन पाई बाई फोर, एक आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई सेवन पाई बाई फोर। अब अपना जादू चला दो, क्या जादू, अब सेकंड डेरिवेटिव करो, क्या करो सेकंड डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, सेकंड डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का होगा प्लस का कोस एक्स, प्लस का कोस एक्स। बस अब एक काम रह गया, एक तो एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर पे आपको इसका साइन चेंज करना है, सेकंड डेरिवेटिव का सेम काम चल रहा है, साइन चेंज करना है मेरे प्यारे बच्चों आपको इसका, तो देखो साइन थ्री पाई बाई फोर सोल्व कर लो, यहां लगाओगे ना क्या, देखो आप सीधी सी बात ये है एफ डबल डैश थ्री पाई बाई फोर निकालोगे साइन चेंज करने के लिए, मैं सोल्व कर देता हूं, माइनस साइन थ्री पाई बाई फोर प्लस में कोस थ्री पाई बाई फोर, ऐसे ही तो लिखोगे। अब भाई आपका ये देखो माइनस तो बाहर है, साइन क्या लिखोगे पाई माइनस में पाई बाई फोर लिखोगे या नहीं, थ्री पाई बाई फोर को ऐसे ही कोस पाई माइनस पाई बाई फोर लिखोगे या नहीं सोल्व करने के लिए, बिल्कुल साइन पाई माइनस पाई बाई फोर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, माइनस पहले से बाहर लगा हुआ है ये तो लगा ही रहेगा, पॉजिटिव होता है तो साइन पाई बाई फोर, ये पहले से माइनस है बेटा, कभी ये सोच लो बाद में लगाया सबने, और ऐसे ही कोस पाई माइनस पाई बाई फोर, आप समझदार हो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव तो माइनस कोस पाई बाई फोर, इसको जब सोल्व करोगे तो अच्छे से पता है ये वन बाई रूट टू ये वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू ये एड होंगे तो माइनस का साइन देंगे या नहीं, नेगेटिव आएगा या नहीं, क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव में मैंने क्या बताया इस पॉइंट पे आपका क्या होगा लोकल लोकल मैक्सिमा,
लोकल मैक्सिमा है प्यारे बच्चों इस पॉइंट पे, इसका मतलब है x is equal to 3π/4 पे लोकल मैक्सिमा है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको f of 3π/4 निकालना पड़ेगा, f of 3π/4 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन 3π/4, साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4 निकालोगे। सोल्व करते हैं, चलो साइन 3π/4, साइन पाई माइनस पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर होगा, लिख रखा है ना, देखो ये साइन पाई बाई फोर होगा, ये कोस पाई माइनस पाई बाई फोर, माइनस कोस पाई बाई फोर होगा तो माइनस माइनस प्लस कोस पाई बाई फोर बना। बेटा सोल्व कर लोगे छोटी छोटी चीजें, ये 1/√2, ये 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 आएगा √2। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √2, लोकल मैक्सिमम वैल्यू √2। और एट x इज इक्वल टू 3π/4 पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। अच्छा एक चीज और रह गई, इसको मिटाना पड़ेगा, मेरे को मिटाना पड़ेगा क्योंकि एट x इज इक्वल टू 7π/4 पे बात करने वाले हैं। तो ये तो नोट कर लिया होगा आपने, एट x इज इक्वल टू 7π/4 पे भी बात करनी है। अब एट x इज इक्वल टू 7π/4 पे देखते हैं कि मिनिमम है या मैक्सिमम लोकल, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको फर्स्ट डेरिवेटिव में चेक करना है साइन 7π/4 पे, तो माइनस साइन 7π/4 प्लस में कोस 7π/4, यही तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ फटाफट से यस। और इसको क्या लिखोगे अब, माइनस साइन 2π माइनस π/4 लिखोगे 7π/4 को, ऐसे कोस इस 7π/4 को 2π माइनस π/4 लिखोगे बिल्कुल। अब देखो माइनस साइन 2π माइनस π/4 सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो एक माइनस पहले से, एक माइनस और तो प्लस, साइन π/4 आएगा। ऐसे यहां पे कोस 2π माइनस π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, प्लस का कोस π/4। तो बेटा ये 1/√2 प्लस 1/√2, साइन क्या दिया, पॉजिटिव दिया। और पॉजिटिव जब साइन आता है तो आप क्या कहते हो, वहां पे लोकल, लोकल मिनिमम है, लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है प्यारे बच्चों एट x इज इक्वल टू 7π/4 पे, चेक कर लेना चाहिए। और लोकल मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 7π/4 निकालना पड़ेगा, f ऑफ 7π/4 निकालना पड़ेगा। तो sin 7π/4 माइनस में cos 7π/4, तो मेरे प्यारे बच्चों sin π/4 sin 7π/4 मैंने सोल्व किया था अभी अभी, माइनस sin π/4 आएगा, सोल्व कर लेना, बता रखा तरीका ऐसे, माइनस माइनस प्लस कर दिया था मैंने, माइनस ऑलरेडी था तो माइनस साइन पाई बाई फोर, कोस वाला प्लस का ही रहेगा, माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ तो माइनस तो रहेगा, कोस पाई बाई फोर हो जाएगा सोल्व करके, ये बता रखा है मैंने, ये बता रखा कोस पाई बाई फोर रहता है, ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये माइनस 1/√2 और मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस 1/√2, तो ये सोल्व होके आएगा माइनस √2। तो लोकल मिनिमम, लोकल लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, माइनस √2, लोकल मिनिमम वैल्यू माइनस √2। और लोकल मिनिमा है इस पे एट x इज इक्वल टू 7π/4 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान देंगे, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आने चाहिए, तरीका बिल्कुल फिट लगा रहा हूं, सेकंड डेरिवेटिव से आसान पड़ेगा बेटा, करने को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका फिफ्थ पार्ट देखो, सेम काम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करूंगा, देखना कैसे। पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया, 3x² माइनस का 12x+9। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को मेरे प्यारे बच्चों रखोगे जीरो के बराबर, तो 3x² माइनस का 12x+9 किसके बराबर, जीरो के बराबर। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए करते हैं ये काम, थ्री कॉमन आ रहा है तो निकाल लो, तो x² माइनस का 4x+3 इज इक्वल टू जीरो। तो थ्री तो जीरो होगा, नहीं तो कौन जीरो होगा, x² माइनस 4x+3 जीरो होगा, ठीक है। और यहां से फैक्टर बनाते हैं, x² माइनस का 3x माइनस का x+3 इज इक्वल टू जीरो। तो x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। मेरे प्यारे बच्चों x माइनस 3 कॉमन x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो आया, क्लियर, x माइनस 3 कॉमन लेने के बाद। तो x की वैल्यू एक तो यहां से आती है आपकी 1 और एक x की वैल्यू आती है 3, इन पे जंग होगी सारी, ठीक है। और f डैश x आपका ये है। अब आप f डबल डैश x निकालोगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना, तो कितना आया, 6x माइनस का 12 आया, देखो 6x माइनस का 12 आया, ठीक है।
अब कुछ भी नहीं करना, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक करना है एफ डबल डैश एक्स का साइन, तो एफ डबल डैश वन निकालो, तो सिक्स इंटू में वन माइनस ट्वेल्व आपका माइनस सिक्स आया, जो नेगेटिव आया, और नेगेटिव आता है तो लोकल मैक्सिमा होता है प्यारे बच्चों, लोकल लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू वन, लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू वन। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी तो पूछते हैं, वैल्यू भी तो पूछते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आप अपना जो वन है वो यहां रखोगे, तो वन यहां रखोगे तो देखो क्या क्या, वन माइनस का सिक्स प्लस का नाइन प्लस का पंद्रह, ठीक है, तो नौ एक दस, दस और पंद्रह आपके बनते हैं पच्चीस, और पच्चीस में से छह जाते हैं तो आता है उन्नीस, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आती है उन्नीस, ठीक है। सेम प्रोसीजर एट एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए, एट एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जब डबल डेरिवेटिव टेस्ट आप सॉरी एफ डबल डैश एक्स चेक करोगे, नेगेटिव आता है, पॉजिटिव एफ डबल डैश थ्री निकालोगे एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे, तो देखो क्या आता है, थ्री लगाओ छत्तीस, अठारह में से बारह गए, अठारह में से बारह गए तो छह, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया है नहीं, और पॉजिटिव में आप क्या कहते हो, लोकल 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 मिनिमम है, लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे, लोकल मिनिमा है प्यारे बच्चों एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे, और लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम मिनिमम वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, वो कैसे निकालते हैं, इस थ्री को भाई यहां लाओगे, इस थ्री को यहां लाओगे या नहीं, तो यहां पे देखो 27 माइनस का ये भाई तीन आपका 9 गुना 6, ठीक है, 6 इंटू में 9 लिखोगे, ठीक है, और प्लस का 9 इंटू 3 कितना आएगा आपका 27 प्लस का 15 ये आया है ना, सोल्व कर रहे हैं एफ ऑफ 3, तो 27 और 27 आपका आता है 54, 27 और 27 कितना आता है आपका आता है 54, ठीक है, और प्लस 15 कर लो इसमें, 15 करके और क्या घटा लो 54 घटा लो, कितना घटा लो 54 घटा लो, ठीक है, तो भाई 54 से 54 हुआ कैंसिल, आया आपका 15, कितना आया 15, तो 15 आएगी लोकल मिनिमम वैल्यू, कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों 15, 15 लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, तो कितना आसान है आप देख लो, बिल्कुल आसान, हर क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हो, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी बड़ी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये कम से कम 3-4 वीडियो में बनेगी, बड़ी एक्सरसाइज है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।